तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हीट लॉस जो आई, हीट लॉस बाय वाटर वो ये है, इतने जूल आ रही है, और हीट गेन्ड बाय आइस ये है। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मिल जाएगी 3.34 × 10^5। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आ गई 3.34 × 10^5 जूल पर केजी। तो एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या देखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आती कब है? जब हमारे पास कोई चेंज ऑफ स्टेट होता है। तो हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। सपोज करो ये हमारे पास टेम्परेचर टाइम कब है। किसी टिपिकल मटेरियल के लिए टेम्परेचर टाइम कब हुआ? ये हमारे पास टाइम है, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर टाइम कर्व को हम कैसे करेंगे? यहाँ सर सॉलिड मटेरियल है, इसका टेम्परेचर लीनियरली बढ़ेगा टाइम के साथ, अगर हम सेम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कांस्टेंट रहेगा, ये मेल्टिंग वाली फेज होगी। फिर यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पे आएगी हमारी हीट ऑफ दैट लिक्विड मटेरियल, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड मटेरियल। फिर यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन के बाद अगेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हमारे पास आया हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, यहाँ पर हमारे पास होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे हमारे पास होगा हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पर हमारे पास होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर हमारे पास यहाँ होगी सीपी या सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस।